हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पल्लू बनाने का। साड़ी जब आप पहनते हो तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, आप पल्लू नहीं बना पाते हो। और पल्लू की प्लीट्स बनाना आपको आनी चाहिए। अगर आप साड़ी लवर हैं तो आपको पल्लू प्लीट्स एंड सेंटर प्लीट्स दोनों ही आनी चाहिए। साइड की फिटिंग अगर आपको अच्छी आती है, अगर आपकी हाइट कम भी है या आपकी परफेक्ट हाइट भी है, तो अगर कम रेट की भी आप साड़ी पहनते हैं, बट आपको क्या है कि साड़ी की जो फिटिंग, पल्लू और सेंटर प्लीट्स, ये तीनों चीज़ें आपको आ जाती हैं, तो आप साड़ी परफेक्टली पहन पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी साड़ी तो नहीं बताने वाली हूँ, बट आपको मैं बताऊंगी कि जो पल्लू प्लेट्स है, इस ट्रिक से आप बना सकते हैं काफ़ी इजी। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, मैम हम पल्लू की प्लेट्स नहीं बना पाते, परफेक्ट प्लेट्स हमसे नहीं बन पाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आती है साड़ी पहनने में। तो आपके लिए मैं ये ट्रिक लेके आई हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है। आप बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इजीली आप पल्लू प्लीट्स बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ देखिए, ये मेरी कॉटन की साड़ी है, यानी कॉटन सिल्क साड़ी है। और आप देख सकते हैं बॉर्डर, इसका नीचे का बॉर्डर चौड़ा है, ऊपर आप देख सकते हैं। और ये ग्रीन कलर की साड़ी है और ये मेरा पल्लू है, और जो ऊपर की तरफ बॉर्डर आएगा वो पतला है। तो यहाँ पर मेरे साड़ी का पल्लू है। अब मैं इसे खोलकर आपको पहले ये बताऊंगी कि कैसे आप देखेंगे कि हमें ऊपर का पल्लू कौन सा है, यानी एक तो पतला बॉर्डर है। मैं कभी कभी साड़ियों में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ के बॉर्डर एक समान होते हैं, तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं अपने शोल्डर पर साड़ी के पल्लू को रख करके। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अपने पल्लू की जो चौड़ाई है प्लीट्स की, वो कितनी लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इतना ले रही हूँ। काफ़ी लोग ये क्या है, थोड़ा पतला लेते हैं जितना बॉर्डर है। मैं यहाँ थोड़े बॉर्डर से थोड़ा सा चौड़ा ले रही हूँ। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने पल्लू की प्लीट्स की चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही तरीके मैंने बता दिए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए दोनों फिंगर में साड़ी को पकड़ती जा रही हूँ इस तरीके से। और जो फर्स्ट प्लीट्स आप देख सकते हो थोड़ी बड़ी है, और अंदर वाली बनाते समय ही प्लीट्स हम थोड़ी सी पतली ही लेते हैं इस तरीके से। तो सारी प्लीट्स को इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लीट्स लास्ट की मेरी इधर की साइड नहीं आई है, तो हम दो प्लीट्स खोल लेते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो बड़ी प्लीट्स थोड़ी चौड़ी है, और उसके बाद से दो प्लीट्स खोलने के बाद से अंदर की प्लीट्स को और पतली लेते हुए लास्ट की प्लीट्स को हम इस साइड ले के आते हैं, जिस साइड हम पिन लगाते हैं शोल्डर में, जिस तरफ ये बराबर प्लीट्स रहती हैं। और एक साइड आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी बड़ी है, बट ऊपर की प्लीट जो है वो बड़ी है, तो अंदर की जो छोटी और चौड़ी पतली प्लीट्स को कवर कर लेती है। और एक साइड जब हम शोल्डर पर पिन लगाते हैं, उस साइड आप देख सकते हो सारी प्लीट जो है इक्वल है। अब हम सारी प्लीट्स को बनाने के बाद हम एक पिन से पिनअप कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ट्रिक आपको यूज करनी है पल्लू की प्लीट्स बनाने के लिए। आप पल्लू को इस तरीके से झरक दें जिससे कि ऊपर की जो प्लीट्स का मेजरमेंट नीचे तक आ जाएगा। अगर आपकी कोई अलमीरा है तो इस तरीके से आप अलमीरे में दबा सकते हैं अपने पल्लू को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ से, जहाँ से मेरी उंगलियाँ स्टार्ट हैं, मैं वहाँ से उतनी ही चौड़ाई की प्लीट्स बनाऊंगी, उतनी ही पल्लू की प्लीट्स बनाने वाली हूँ चौड़ाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उतनी ही हमें अंदर की तरफ, साड़ी के अंदर की तरफ अपने हाथ को डालना है इस तरीके से। और उंगलियों से भी आप इस तरीके से प्रेस करोगे कॉटन की जो प्लेट्स अगर बनाते हो, तो वो भी एकदम स्ट्रेट आ जाती हैं प्लेट्स। तो हाथ से आप इस तरीके से बना सकते हैं, अपने हाथ को, फिंगर को अंदर की तरफ इस तरीके से लेके जाएं दोनों तरफ से, इस तरीके से जल्दी से आप पल्लू प्लेट्स बना सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक है, दोनों ट्रिक मैं आपको बताई हैं। ऊपर से एक तो उंगलियों से प्रेस करते हुए पल्लू की प्लेट्स को लेके आना है, फर्स्ट ट्रिक तो ये हो गई। और सेकंड ट्रिक ये है कि आप अपने हाथ को अंदर डालते हुए दोनों तरफ से जिगजैग करते हुए पल्लू की प्लीट्स बना सकते हो। अब प्लीट जब आपकी बन जाए तो वहाँ पर आप एक पिन भी यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी पिन। यहाँ पर मैं क्लिप यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, क्लिप की सहायता से भी आप पल्लू बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिप लगा लिया, इसके बाद से हमारा थोड़ा तो पल्लू बनकर तैयार हो गया है। अब हमें आगे का पल्लू हम कैसे बनाएंगे, हम अपने अलमीरा को खोलते हुए जहाँ से हमने
क्लिप लगाई थी, अब वो वाला पार्ट हम अलमीरा में दबा देते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है। और उसके बाद से आप फिर से सारी प्लीट्स को अरेंज करें। दोनों ट्रिक में से आप कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, या उंगलियों से प्रेस करते हुए प्लीट्स को नीचे तक लेके आए ऊपर से, या आप इस तरीके से हाथ से जिग जग करते हुए सारी प्लीट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही ट्रिक मैंने आपको समझा दी हैं, जो ट्रिक आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। साड़ी की पल्लू प्लीट्स आप पहले से बना लें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, इंस्टेंट आपको जाना है, तो पहले से ही इस तरीके से आप प्लीट्स बनाकर रख सकते हैं और इंस्टेंट आप साड़ी पहन करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी प्लीट्स मैंने देखी अरेंज कर ली है, और हाथ से प्रेस कर देना है। उसके बाद से आपको क्लिप इस तरीके से लगा लेनी है, हाथ से टाइटली आपको प्रेस कर देना है। हाथ से प्रेस करने के कारण ये प्लीट्स एकदम प्रेस हो जाती हैं, तो आपका पल्लू बन करके तैयार हो गया है काफी इजली। इस तरीके से आप पल्लू बना करके रख सकते हो, हैंगर में साड़ी को फोल्ड करके रख सकते हो। अब यहाँ पर मेरा इतना बड़ा पल्लू बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको पहनकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको पहनना है। शोल्डर पर रखते हुए पल्लू को आप ब्लाउज से अटैच कर लें इस तरीके से, बट आपको थोड़ा पीछे की तरफ पिन लगाना है अपने ब्लाउज में पल्लू को लेते हुए, जिससे कि आपका पल्लू हमेशा सेट रहता है। आगे से सारी प्लीट्स को इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर से मेरा जो बॉर्डर है वो थोड़ा ढीला है, इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है टाइटली। इस तरीके से आपको लेके जाना है, और क्रॉस वहाँ पर बॉर्डर का क्रॉस बनना चाहिए, और उसके बाद से आप वहाँ पर एक छोटी सेफ्टी पिन यूज़ करें, बड़ी पिन ना यूज़ करें, और ब्लाउज से अटैच कर लें, तो आपका जो बॉर्डर है वो एकदम सेट हो जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इस तरीके से सारी प्लीट्स अरेंज हो जाएंगी इस तरीके से, तो आप काफ़ी अच्छे से पल्लू प्लीट्स बना सकते हैं। और आगे की प्लीट्स को इस तरीके से आप अरेंज कर लें, एक बार फाइनली टचअप दें, जिससे कि आपकी पल्लू प्लीट्स काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती हैं। बाद से हाथ से आपको एक बार ऊपर से प्रेस कर देना है, हाथ से प्रेशर देते हुए आप नीचे तक लेके आए, तो इस तरीके से आप पल्लू प्लीट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।